दोस्तों 2021 महिंद्रा स्कॉर्पियो को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान स्पाई किया गया है। दोस्तों आप लोगों को पता ही है, जैसे ही कोई भी लेटेस्ट स्पाई स्पॉट महिंद्रा स्कॉर्पियो 2021 या 2021 महिंद्रा एक्सयूवी से रिलेटेड इंटरनेट के ऊपर आता है, मैं उसके ऊपर आप लोगों के लिए सबसे पहले यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना देता हूं। दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा है कि स्कॉर्पियो की न्यू जनरेशन अब फाइनल टेस्टिंग के स्टेज पर चल रही है। दोस्तों लेटेस्ट स्पाई शॉट के लिए थैंक्स टू मोटर बीम है। दोस्तों रिसेंटली स्पाई शॉट में आप देख सकते हो एक फाइनल शेप ले ली है गाड़ी ने। गाड़ी में भी आपको मिड 2021 में देखने को मिलने वाली है शोरूम के अंदर है। दोस्तों आपको पता ही होगा गाड़ी न्यू लैडर फ्रेम चेसी के ऊपर बेस्ड रहने वाली है, जिससे गाड़ी अब पहले से लॉन्गर और वाइडर हो जाएगी। करंट मॉडल से आपको स्पेस भी काफी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। अब न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के अंदर आपको ऑल न्यू एक्सटीरियर विद न्यू बॉडी पैनल्स के साथ मिलने वाला है। गाड़ी के अंदर आपको न्यू वर्टिकल स्लेट्स के साथ न्यू ग्रिल मिलने वाली है। ड्यूल चैम्बर के साथ आपको एलईडी हेडलैम्प और सी शेप डीआरएल्स मिलने वाले हैं, जिसे गाड़ी के अंदर एक मॉडर्न लुक आ जाती है। एंड द रियर सेक्शन लुक से टैड रैक्ड कंपेयर टू करंट मॉडल विच इज फ्लैट एज ए पैनकेक। और जो गाड़ी का टेल लाइट क्लस्टर है वो भी पहले के जैसे ही वर्टिकली स्टाइल में मिलने वाला है। अब आपको टेल लाइट्स भी एलईडी सेटअप के साथ मिलने वाली है। और गाड़ी के टेल गेट खोलने के लिए आपको जो डोर हैंडल है वो भी पहले की जैसे ही लेफ्ट साइड में इसकी पोजीशनिंग की गई है। ओवरऑल गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो अब मस्कुलर और इम्प्रेसिव लग रही है। एक्चुअल में गाड़ी पहले से काफी बिगर भी लग रही है साइज में। अब दोस्तों गाड़ी के इंटीरियर की अगर बात करें तो इंटीरियर के अंदर भी आपको न्यू डिजाइन के साथ न्यू डैशबोर्ड मिलने वाला है। न्यू स्टीयरिंग व्हील्स, ए लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड और भी आपको बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के न्यू फीचर्स मिलने वाले हैं गाड़ी के अंदर। और दोस्तों गाड़ी के अंदर जो सबसे अच्छी बात होने वाली है कि महिंद्रा अब आपको न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के अंदर सनरूफ भी ऑफर करने वाला है। और दोस्तों आपको थर्ड रो सीट्स के अंदर फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलने वाली है, जो सेकंड रो के अंदर आपको कैप्टन सीट्स मिलने वाली है। दोस्तों स्कॉर्पियो को पहली बार कोई जनरेशन अपडेट मिल रहा है, तो आई थिंक महिंद्रा अपनी न्यू स्कॉर्पियो के अंदर हमें वो सब कुछ प्रोवाइड करवाने वाला है जो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों वैसे तो महिंद्रा की करंट स्कॉर्पियो भी काफी अच्छी सेल हो रही है, बट वो थोड़ा न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी में आई न्यू कारों के सामने फीचर्स के मामले में थोड़ी ओड लगने लगती है। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए महिंद्रा अब न्यू स्कॉर्पियो को मार्केट के अंदर लेके आने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों वैसे तो अभी कंफर्म हुआ नहीं है, बट रिसेंटली ही महिंद्रा ने टू न्यू नेम्स को ट्रेडमार्क किया है, स्कॉर्पियो स्टिंग एंड स्कॉर्पियोन। तो आप लोगों को पता ही है कि ये नेम स्कॉर्पियो से मिलते जुलते ही लग रहे हैं, तो मे बी महिंद्रा अपनी न्यू स्कॉर्पियो को इन्हीं नेम से सेल करेगी। गाड़ी के अंदर हमें कम्प्लीटली गाड़ी के डिजाइन के जैसे ही न्यू इंजन ऑप्शंस मिलने वाले हैं। फर्स्ट हमें 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन एंड सेकंड 2.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। दोस्तों वैसे तो गाड़ी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर बहुत सारी गाड़ियों को कम्पीट करने वाली है, बट आई थिंक जो गाड़ी का मेन कंपटीटर होने वाला है वो टाटा सफारी होने वाली है। दोस्तों आपको दोनों गाड़ी में कौन सी गाड़ी लगती है जो बेस्ट परफॉर्मेंस कर पाएगी इंडियन मार्केट के अंदर? तो दोस्तों न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के अंदर मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है, अगर आपका अब भी कोई न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो से सवाल है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं या आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।